For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो इश्कबाज़ के बीते एपिसोड यानी कि 27 फरवरी के एपिसोड ने आप सभी को हैरान कर दिया होगा, क्योंकि आपने नहीं सोचा होगा कि जब शिवाय, अनिका, गौरी, ओमकारा और रुद्र भव्या के सामने आएगी सौम्या, टिया और स्वेतलाना के बहन होने की सच्चाई, तो वो तीनों इतने हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब था, बट भाई शो है, कुछ भी हो सकता है। सो आगे बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, अब जब सबको पता चल ही गया है कि ये सारा खेल क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है और आखिर क्यों ये बदले की भावना आ गई है टिया, स्वेतलाना और सौम्या के अंदर, तो भाई लीजिए, फादर की मर्डर मिस्ट्री भी ओपन हो चुकी है। मगर अभी भी टिया कर रही है ओब्रॉय परिवार की मदद अपनी बहनों से छुपकर। यहां तक कि अभी तक ओब्रॉय मेंशन वालों को भी नहीं पता है कि टिया उनकी साइड है। वेल दोस्तों, अब बताते हैं आपको अपकमिंग एपिसोड में यानी कि 28 तारीख को आप क्या देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे शो के अंदर कि किस तरह से अब शक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर पुलिस ओब्रॉय मेंशन में आ चुकी है। हालांकि शिवाय ने तैयारी कर रखी थी अपने पापा को बचाने की और उसने पुलिस को बोल दिया कि उसके पास अभी इस वारंट को एग्जीक्यूट करने से रोकने के लिए कुछ चीज़ें हैं और वो पुलिस को दिखा भी देता है, यानी कि पुलिस को बता देता है शिवाय कि उसके पास अपने पापा को ना जाने देने के लिए अभी एंटीसिपेटरी बेल है। लेकिन यहाँ पुलिस ने एक दाव चल दिया और बोल दिया कि वो शक्ति सिंह ओब्रॉय को तो ले जाने आई ही नहीं है, बल्कि उनके पास तो वारंट पिंकी ओब्रॉय के नाम का है। तो लीजिए, शिवाय हो गए हैं हैरान और एक बार फिर से बाजी पलट चुकी है। अब इस बाजी में किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये जानने के लिए बी कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, ताकि और खबरें हम पहुँचाएं आप तक। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.